हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हो चुका है इवनिंग का टाइम। तो भाई सब, जैसे आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में देखा कि अब अखिलेश यादव भैया जी से मिले थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो आज इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ। इतना ज़्यादा मेहनत किया हूँ ना, 3 दिन लग गया है। अब मैं जा रहा हूँ चाचा जी से मिलने के लिए। भैया परेशान है, कह रहे 2-3 दिन तुम बर्बाद करे जा रहे हो। हमने कहा मिल के चलना है, तभी जाएंगे गाँव। और उसी वजह से एक गुड न्यूज़ रुका हुआ है मेरे वजह से, मेरे कारण से। अभी क्या करना है, अभी हम हैं इटावा रेलवे स्टेशन पे। भैया हाँ बोलिए। पासिंग पे जाना है ईदगाह वाले पे कि मुलायम सिंह कोटी जाना है? नहीं नहीं, ये सामने पड़ती है ना, ये पास में ही है। पास में है। हाँ, अभी गए थे हम लोग, वापिस आए थे वहाँ से। अभी गए थे, जो गेट बनी हुई है पासिंग, एक तो कार्यालय इधर है। हाँ हाँ, मुलायम सिंह का कार्यालय। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे हाँ, यहीं पे आएंगे अभी वो। चलिए, ये है इटावा जंक्शन। अंदर से हम ब्लॉग नहीं कर पाए। शिवपाल यादव सिंह जी से मुलाकात हो गया और मैं निकल रहा हूँ कानपुर के लिए। मत पूछिए, बहुत मेहनत लगा, 3 दिन लगा। जैसे तैसे करके भैया हमने फ़ोटो लिया, वीडियो लिया, इतने सारे सिक्योरिटी वाले थे, मैं तो बिल्कुल पूरा डरा हुआ था। भैया को मैं बोल रहा हूँ कि तुम वीडियो करो ये खुद डर गए थे। लोग फ़ोन देख रहे थे, चेक कर रहे थे, बोले ठीक है आप फ़ोटो और वीडियो कर लो। नहीं चलिए, कोई बात नहीं, मेरा मेहनत सफल हुआ। अब यहाँ से सीधे निकलना है कानपुर है ना। तो सुनिए तो पहले भैया, वीडियो को ना पार्क में बैठ कर एडिटिंग कर लेते हैं। स्टेशन समझ में नहीं आएगा, शांति से करके फिर आराम से पकड़ के चले जाएंगे। जाना तो कानपुर ही है, रात भर ट्रेन चलती है। क्या करें, पोस्ट कर देते, सही टाइम हो गया है। वीडियो कौन सी वीडियो? रील की। चलो भैया, चले। सो गाइस, फाइनली हम मॉर्निंग के टाइम में पहुंच गए थे कानपुर। भैया जी के घर पर रुके थे मस्त, उसके बाद गांव घूमने के लिए आए हुए हैं क्योंकि अब रहना तो जीवन भर यही है। क्या भाई, साथ में रहना, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग करना है। तो अभी थोड़ा ना जा रहे हैं मौसी जी के यहाँ पे और थोड़ा सा गांव का आपको नज़ारा दिखा देते हैं और कुछ देर में ब्लॉग को भी एंड कर देंगे क्योंकि हमको पता है कि ब्लॉग प्रॉपर तरीके से फैमिली ब्लॉग वाला नहीं है। क्योंकि मुझे मिलना था, मेरे पास जीत था और मैंने इतना ही शूट कर रखा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आज अभी हम लोग नहाए, फ्रेश हुए हैं, इस काम से फ्री हो गए हैं। शिवपाल सिंह यादव जी से मिल करके, चाचा जी से मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले ये देखिए गांव वाला पूरा फील आएगा, खजूर का पेड़ यहाँ पे दिखेगा, पानी जैसे कि बाढ़ वाला आ जाता है ना उस तरीके से। ये उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि पूरा बिहार वाला फील आ रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। राइट साइड में आप देखोगे तो घर भी बना रहता है, खेती भी होती है, खेती हो रही देख सकते हो आप लोग। गाँव में सब देखिए पूरा गाँव वाला पूरा फील आ रहा है। ये देखिए मछलियाँ पकड़ के लेके जा रहे हैं, पीपल का पेड़ है भगवान जी का यहाँ पे, देखिए चरण स्पर्श कर लीजिए आप लोग, बहुत खूबसूरत सा गांव है। अच्छा, हम लोग जहाँ पे पूजा करने गए थे एक बार भैया और भाभी जी के साथ में, वो कौन सा था, बहराइच से, वो गंगा बहराइच से आगे था ना, गंगा बहराइच से आगे था, बहुत खूबसूरत जगह था। यहाँ प्रॉपर गाँव में आप अगर आओगे ना तो आपको हर चीज़ें, मेडिसिन की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मेडिकल मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएंगी। देखिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं सब, बहुत खूबसूरत सा, छोटे छोटे दुकान मिलेगा आपको देखने का। तो यूपी में रहने का मकसद यही है कि पूरा गांव वाला फील आता है और बचपन से हमने यहीं रहा है, हमारी पढ़ाई भी हुई है, यानी हमारा पढ़ाई 6 या 8 क्लास तक हुआ था कंप्लीट यहाँ पर। तो इसी वजह से थोड़ी सी आदत है कि हाँ, थोड़ा मन भी ज़्यादा लगता है कि आप जहाँ पर बचपन गुजार रहे हो
और यूपी बिहार में दोनों जगह घर हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा, एक टाइम यूपी में एक टाइम बिहार में, और वैसे भी यूपी और बिहार में कोई फ़र्क नहीं रह गया। तो जस्ट अभी मौसी जी के यहाँ पहुँचे हैं, हमारे एक छोटी सी भांजी। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या करोगे चैनल बना के, आईडी बना के क्या करोगे बताओ, यहाँ बताओ। अभी ये वीडियो में आने से शर्मा रही है, तुम कैसे वीडियो बनाओगे? अच्छा इंट्रोडक्शन दो पहले, बताओ तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या पढ़ाई करती हो पहले बताओ, उसके बाद तुम्हारी आईडी बना देंगे हम। हाँ पक्का, हाँ अब हो गया चैनल खोलेंगे। ये हमारी छोटी भांजी है गाइज, और ये बोले भैया कि हमें मामा जी आईडी खोल दीजिएगा, हम भी वीडियो बनाएंगे लो। अब खुद कैमरे के सामने छुप के भाग रही है, तब कैसे बनेगा? हाँ अजय बोलो, बोल। चैनल खोलने के लिए बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता क्या करेंगे? हाँ कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कहाँ जाए, कहाँ अब चुप हो गई। बोल बताओ, अपना नाम बताओ, हम कौन से क्लास में पढ़ते हैं गाय, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, है कि नहीं? बहुत मजाक मस्ती करती है। तो गाइज जस्ट आई होप आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मौसी जी के ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि पहले हम लखनऊ गए, लखनऊ जाने के बाद क्या हुआ था हमने कल वाले ब्लॉग में, कि हमें मिलना था शिवपाल सिंह यादव जी से, लेकिन हमारा भाग्य देखिए कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो गया भैया जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से। एक्चुअली में एक ही मतलब सांसद भवन है, शायद सांसद भवन नहीं मतलब जहाँ पे लोगों से मिलते हैं, सबसे राय विचार लेते हैं, सबके दुख सुख की बातें करते हैं वहाँ पे। तो मालूम पड़ा कि चाचा जी भी वहीं हैं, अखिलेश भैया भी वहीं पे हैं। तो हम उसी जो है हॉल के अंदर घुस गए, वेटिंग करने लगे, हमने सोचा कि मिल लेंगे शिवपाल सिंह यादव जी से, मेन मकसद था मिलना, लेकिन हमें पता नहीं था कि अखिलेश भैया भी होंगे, क्योंकि मालूम पड़ा था कि वो अभी दौरा पे गए हुए, तो हमने सोचा कभी नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे। लेकिन किस्मत देखी कि शिवपाल सिंह चाचा जी जो है उसी टाइम मतलब जब हम अंदर इंटर हुए रुके, तो वो कहीं अलग निकल गए, अपने भवन में निकल गए, हमें उतना पता भी नहीं था। फिर चार घंटा हमने वेट किया, वेट करते 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 लाइनें ख़त्म होती गई, जब अंदर गए तो अचानक से देखा चाचा जी ने सामने तो अखिलेश भैया खड़े हैं, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भैया घर पे नहीं है, वहाँ पे अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं, वो अभी दौरा चल रहा है इलेक्शन का, तो इसी वजह से। तो माई मिस्टेक, चलिए अच्छा हुआ कि उनके साथ भी एक फ़ोटो हो गया, और वीडियो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं अगर वीडियो फ़ोटो करूँ, जैसे कि देखो अब लीडर में क्या होता है, किसी के साथ अगर फोटो वीडियो ले लिया, कुछ गलत ही होगा, अभी AI का ज़माना चल रहा है, कोई उसको गलत एडिट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर मैं फंस जाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोटो ही बहुत ज़रूरी है, फोटो इतना इतना छोटी सी वीडियो हो गई एडिटर से वही बहुत है, क्योंकि वहाँ बोला तो जाता है कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो डर हो सकता है। तो इसी कारण जो है हमने वीडियो अच्छा से प्रॉपर नहीं बनाया, बस उनसे मिलना था, हम उनको देखना चाहते थे, हमने काफ़ी सारी वीडियो उसमें देखी थी इसी वजह। तो आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आप बिहार के हैं तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताजी से मिल रहे हैं, तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि मैं शुरू से ही मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ाई लिखाई करी है, तुम कहाँ देख रही हो, अब मुँह छुपा लिया। तो हम उत्तर प्रदेश में रहे, पढ़ाई लिखाई किए, पापा जी भी रहते थे यहाँ पे, तो मैं पेपर अखबार में सुनता था कि इनका नाम का चर्चा होता था, इनका नाम का चर्चा होता था, अखिलेश यादव जी का स्टार्टिंग टाइम में, चाचा शिवपाल जी का, मुलायम सिंह जी का, मैं काफ़ी इंस्पायर था, मैं भी सोचता था कभी मिलूँ उनके साथ, फ़ोटो वीडियोज़ लूँ। मायावती जी हो गई, उनका भी नाम हमने सुना है, जहाँ पर हम अम्बेडकर पार्क गए थे, वो सब चीज़ें हमने सुना था। तो अच्छा लगता है कि आप अगर बढ़ रहे हो आगे तो अपने इंस्पिरेशन से, जैसे अपने अपने गांव में हमने तेज प्रताप जी से मिला, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा लगा, एकदम भाई की तरीके से ट्रीट करे समझिए। और तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई राजनीति के लिए नहीं मिलता हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मैं सिर्फ और सिर्फ मिलता हूँ, हमें उनसे मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि बड़े लोगों में सामने से देखना चाहता हूँ, उनके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, उसी वजह से लोग हमें भी पहचाने, हमें भी प्यार दे, तो और अच्छा रहेगा। बाकी मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, आप लोग कमेंट करें कि आपको राजनीति में आना है, अब पता नहीं बहुत सारी पार्टियाँ, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, सभी को एक नज़र से देखता हूँ, क्योंकि अपने अपने फील्ड में सब मेहनत करते हैं, सब कार्यकर्ता है, सब अपने अपने जनताओं का सेवा करते हैं, और सब अच्छे हैं, और खास करके अखिलेश भैया से जिसे मिले और शिवपाल सिंह यादव जिसे मिले, बहुत अच्छे, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो ऐसा नेता होना चाहिए। आई होप आप लोग उत्तर प्रदेश के कौन कौन जगह से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, और बगल में स्टडी जाकर के फॉलो करना। बस आई होप आज के वीडियो के लिए इतना ही, अपना क्यों निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।